अपनी खेती तो सभी सींचते हैं, हमें दूसरों की खेती को सींचना है। और जब हम दूसरों की खेती को सींच रहे हैं तब परमेश्वर हमारी खेत में भी फसल उगाता है। वो लोग यदि किसी दुख में है, किसी संकट में है, किसी परेशानी में है, तो उन्हें चाहिए वो अपने लिए तो प्रार्थना करें प्लस और लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो तुम अपने जानने वालों को नमस्कार करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तुम बीमार हो तुम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? बड़ी बात तब है जब तुम अपने दुश्मनों को नमस्कार करो। बड़ी बात तब है जब तुम बीमार हो और दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करो। बड़ी बात तब है जब तुम खुद बेरोजगार हो और दूसरे बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करो। बड़ी बात तब है जब तुम खुद संकट में हो और दूसरों के लिए संकट से छुटकारे की प्रार्थना करो। परिस्थितियों से घिरा हुआ व्यक्ति जब दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तो शैतान उसके सामने से भाग जाएगा और यहोवा परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसे उसके दुखों से आजाद कर देगा, छुड़ा लेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसके दुखों को दूर कर दिया। परंतु उस बीमार व्यक्ति को चाहिए वो खुद के लिए तो प्रार्थना करे परंतु और कई बीमारों के लिए वो प्रार्थना करे। और जब वो बीमार व्यक्ति दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे उसकी बीमारी से छुटकारा दे देगा। जब कोई परेशान व्यक्ति दूसरे परेशान व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे उनकी परेशानियों से छुटकारा दे देगा।